लोग कहते हैं कि ये पहले मारता है फिर उनका दिल खा जाता है। यहाँ उसके कुछ लोग हैं जो अब उसके दुश्मन हैं। उस नकली हाथ वाले को देख रहे हो, वो कभी क्रिल का खास आदमी हुआ करता था, पर अब वो क्रिल को किसी भी कीमत पे मारना चाहता है। पर क्रिल के बॉडीगार्ड्स उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। निशाना अच्छा है तुम्हारा। आज रात डिनर हमारे साथ करोगे? तुम्हारे पट्टे मुझे पसंद नहीं है। इन्हें बुलाया किसने? अंदर आ जाओ मेरे दोस्त। यहां हर हफ्ते कम से कम 6 मर्डर्स होते हैं और ज्यादातर उनका निशाना मैं ही होता हूं। जिसे तुमने आज मारा वो कभी मेरे लिए काम करता था। ओ, शायद वो अपने भाई की मौत का बदला ले रहा था। भरोसे के लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, खासकर हमारे धंधे में। मजा आ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे मारने वाला है? कहीं सुना था। मेरे जासूसों ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं होगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्रिल, इस जेल के सबसे बड़े दादा हो ना? सही कहा। और जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा दादा बनूंगा। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। मुझे काम नहीं, जान चाहिए। किसकी जान? तेरी।
ना कर रहा है, डिस्टर्ब मत करो। चल फोन दे अपना। आठ बज गए। हेलो आठ, तुम्हारा काम हो गया है।